15 अगस्त को ये तिरंगा काफी ज्यादा वैल्यू कैप्चर करता है क्योंकि इसकी सेल इतनी ज्यादा हो जाती है, लोग खरीदने के लिए इधर उधर जाते रहते हैं। लेकिन 16 अगस्त और उसके बाद से ये आपको सड़कों पर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, गिरा रहता है जाने अनजाने में ही सही, लोग इसे छोड़ जाते हैं, गिरा जाते हैं, गाड़ी इसके ऊपर दौड़ा देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करना कहीं ना कहीं कानून अपराध है और आपको इसके लिए जेल भी हो सकती है। अब 15 अगस्त के बाद अगर झंडा जो है या तिरंगा जो है वो फट चुका है, कट चुका है या आपकी यूज नहीं आ रहा, तो आप उसका निस्तारण कैसे करें, जानना है तो चलिए आपको बता दें। मॉनसून कहर बरपा रहा है, जानते हैं तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। तो देखिए, झंडे का निस्तारण आप दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका है दफन करना। तो देखिए, सबसे पहले आप एक लकड़ी के बॉक्स में झंडे को सम्मान के साथ तह या फोल्ड कर रख दें। उसके बाद साफ जगह पर जमीन में इस बॉक्स को दफन कर दें। इसके बाद उस जगह पर 2 मिनट तक मौन धारण कर खड़े रहें। ऐसा करने पर झंडे को सम्मान पूर्वक निस्तारण मिलता है। अब सवाल आता है कि अगर तिरंगा या झंडा आपका पुराना हो चुका है, कहीं साल हो चुके हैं रखे हुए, तो ऐसे में कट फट जाता है, पुराना हो चुका है, ख़राब हो चुका है, तो अब ऐसे में क्या किया जाए? तो देखिए, ऐसे में झंडे को आप आग के हवाले कर सकते हैं और इसका भी एक सटीक तरीका है जो कि फॉलो किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए पहले आप एक साफ जगह पर लकड़ी जला लें और फिर तिरंगे को अच्छे से तह करके सम्मान के साथ आग में उसका निस्तारण कर दें। और हाँ, याद रखें कि बिना तय किए झंडे को रखना, आग के हवाले करना बिल्कुल अपराध माना जाता है। और हाँ, साथ ही एक और बात का ध्यान रखें कि झंडे को आप तभी जला सकते हैं जब वो कट फट या पुराना हो चुका हो, ख़राब हो चुका हो पूरी तरह। नए नवेले झंडे को या फिर अच्छी कंडीशन वाले झंडे को, तिरंगे को आप अगर आग के हवाले करते हैं तो ऐसा कानूनी अपराध हो सकता है। अब बात आती है कि तिरंगे के अपमान करने पर क्या क्या सजाएं मिलती है। तो देखिए, कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते, कुचलते, फाड़ते या नियम विरुद्ध ध्वजारोहण करते पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल या जुर्माने का दंड मिल सकता है। व्यक्ति को जुर्माना और जेल दोनों भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि उसने अपराध कितना बड़ा किया और कितनी संगीनता से किया है। तो देखिए, 15 अगस्त या 26 जनवरी को आप ज़रूर सम्मानपूर्वक तिरंगे को लाएं और उसका ध्वजारोहण भी करें, लेकिन प्लीज़ उसको संभाल कर भी रखें। उसका निस्तारण कर रहे हैं तो वो भी सम्मानपूर्वक तरीके से करें, क्योंकि हमारा तिरंगा हमारी और आपकी दोनों की आन बान और शान। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए और एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहें इंडिया TV एक्सप्लेनर्स।